इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से एमएनआईटी परिसर में पिंजरा यहां पर लगाया गया। वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया है। आज यहां पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया था। दरअसल वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि इस वर्ष फरवरी मई में भी यहां पे मूवमेंट दिखा था। झालाना से नजदीकी के चलते यहाँ पर वर्ष भर देखिए मूवमेंट बना रहता है, लेकिन अभी तक लैपर्ड की वजह से कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। भोजन की तलाश में यहाँ पे लैपर्ड आ जाता है और फिर वापस जंगल की तरफ भी चला जाता है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे पिंजरा लगाया गया। अगर बात करें पूरे साल भर की, क्योंकि झालाना से सटा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे देखिए मूवमेंट पूरे साल में नजर आता है और भोजन की तलाश में अक्सर लैपर्ड यहाँ पर आ जाता है। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, अगर बात करें लैपर्ड की मूवमेंट की, तो लगातार चूंकि झालाना से सटा हुआ है लैपर्ड का मूवमेंट यहाँ पे नजर आता है, लेकिन इस मूवमेंट के बाद पिंजरा यहाँ पर लगाया गया, जानकारी जरा दीजिए। देखिए इंदु, ये जो पूजा नाम की मादा लेपर्ड है, जिसके साथ एक शावक भी एमएनआईटी परिसर में दिखाई दिया है, और ये पूजा वो है जो आरती नाम की जो मशहूर लेपर्ड थी, कालका माता मंदिर के पास दिखाई देती थी, उसकी बेटी है। खास बात ये है कि इसका पुलिस वन और एमएनआईटी में पिछले एक डेढ़ साल से लगातार मूवमेंट रहता है। इसने अपनी टेरिटरी एमएनआईटी परिसर और पुलिस वन को ही बना रखा है, और आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसमें इसने किसी के ऊपर हमला किया हो। लेकिन खास बात यह है, चूंकि एमएनआईटी का दीक्षांत समारोह जो है वो सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित बताया जा रहा है, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके आने का कार्यक्रम प्रस्तावित बताया जा रहा है। यही कारण है कि जो एमएनआईटी प्रबंधन ने लेटर लिखा था एक मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय को, जिसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि यहाँ लगातार लेपर्ड का मूवमेंट रहता है और चूंकि राष्ट्रपति की यात्रा प्रस्तावित है, तो कृपया उसके ऊपर कोई कार्रवाई कीजिए, उसको यहाँ से हटाइए। उसके बाद मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने आदेश दिए डीसीएफ जगदीश गुप्ता को, जगदीश गुप्ता ने रेंज अधिकारियों को कहा, जो प्रादेशिक रेंजर है देवेंद्र सिंह और जगदीश शर्मा। उसके बाद कल एक पिंजरा लगाया गया था, आज दो और पिंजरे लगा दिए एमएनआईटी परिसर में। और यहाँ पर जो कुछ देर पहले जो पूजा नाम की जो मादा लेपर्ड, वो अपने एक शावक के साथ पिंजरे के पास तक आई, लेकिन फिर वो दूर चली गई। वहां से पिंजरे में नेट भी लगाया गया ताकि उसको आकर्षित किया जाए और पिंजरे के अंदर उसको कैद किया जाए। खास बात यह है कि तीन पिंजरे अब तक लगा दिए गए हैं, तीन चार जगह कैमरा ट्रैप लगा दिए गए। कोशिश ये की जा रही है कि लगातार ये प्रयास किए जाएं कि जैसे ही मादा लेपर्ड उस पिंजरे में कैद हो, उसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि देश के जो सुप्रीम प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति जब आता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की अगर कोई घटना बीच में घटती है तो कहा जा सकता है कि बहुत अप्रिय घटना होगी। तो इसी वजह से कोशिशें की जा रही है इन सब आशंकाओं को दूर करने के लिए। एमएनआईटी प्रबंधन भी प्रयासरत है, वन विभाग की टीम भी प्रयासरत है, और लगातार वहां खुद जो दोनों रेंजर हैं देवेंद्र सिंह और जगदीश शर्मा, वो मौके पर बने हुए हैं। कृष्ण कुमार मीणा जो प्रभारी नाका वनपाल हैं जो झालाना के, वो वहां पर बने हुए। और खास बात यह है कि ये चूंकि झालाना से लगता हुआ सटता हुआ क्षेत्र है, और इसमें भी काफी इस तरह का फ्लोरा और फौना यहाँ का भी इस तरह की है, यहाँ भी भोजन की तलाश में अक्सर जो ये पूजा नाम की जो मादा लेपर्ड है, वो कभी कुलिश वन में, तो कभी एमएनआईटी परिसर में, और कभी आसपास दिखाई देती है झालाना में। तो निश्चित तौर पर एहतियात के तौर पर ये एक बड़ा कदम है, और वन विभाग कोशिश ये कर रहा है कि पिंजरों के माध्यम से, कैमरा ट्रैप के माध्यम से उसकी निगरानी की जाए, और जैसे ही वो पिंजरे में अगर एक बार ट्रैप हो जाए तो उसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि मामला सीधे तौर पर देश की राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की इस तरह की कोई घटना हो, उससे पहले ही यहाँ से इस जो मादा लेपर्ड है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। इंदु, चलिए बहुत शुक्रिया निर्मल जी। चूंकि देखिए राष्ट्रपति की संभावित यात्रा और उसके चलते वन विभाग यहाँ पे एक्शन मोड भी नजर आया। सहयोगी निर्मल जी ने भी विस्तार से जानकारी यहाँ पर साझा करी कि किस तरह से साल भर यहाँ पे पैंथर का मूवमेंट नजर आता है। चूंकि देखिए इस एमएनआईटी की बात करें तो झालाना से सटा हुआ है, ऐसे में भोजन की तलाश में अक्सर यहाँ तक पहुंच जाता है पैंथर।